वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत पर आतंकवादियों की बुरी नजर लगी है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल और भारत की पुलिस अपने स्तर पर पूरी तरीके से तैयार रहती हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से निकलकर सामने आई, जहां पर 4 संदिग्धों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। हरियाणा के करनाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 4 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। अंदाजा है कि ये चारों आतंकी हो सकते हैं। बड़ी बात यह कि पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद इनोवा कार में से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। हालांकि ये तलाशी रोबोट के माध्यम से की गई, क्योंकि इस कार से काफी एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है, लिहाजा रोबोट भेजकर कार की छानबीन की गई। यहां से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में गोलियां, बारूद के कंटेनर भी मिले हैं। करनाल SP गंगाराम पुनिया ने बताया, आतंकवादी होने के संदेह में 4 अपराधियों को करनाल के पास बस्तर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल IB इनपुट के आधार पर सड़क पर बैरिकेटिंग की गई थी, जिसके बाद एक इनोवा गाड़ी को देखा गया जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसके बाद तलाशी के लिए रोके जाने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 3 डायल 112 गाड़ियां और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहां पहुंची, हमने उस गाड़ी को वहां पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ की, अपना नाम गुरप्रीत, मनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो बोलू ना से और एक लुधियाना जिले से है। उसके बाद में हमने बम हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पर बुलाया था। गाड़ी की तलाशी दी गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर, जिनका एक एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है, तो जो युवकों से मैंने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह जिंदा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर जिले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास आ चुका है। इनके पास से इतनी गोलियां और बारूद मिला है, जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। बताया जा रहा है कि चारों का संबंध पंजाब के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इनको पकड़ने के लिए IB पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल की बताई जा रही है। ये लोग पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे, जिनका संबंध हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिंडा एक वांटेड आतंकी है, जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपा है। जानकारी के मुताबिक करनाल के बस्ताड़ा टोल से पुलिस टीम ने एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा था और 4 लोगों को हिरासत में लिया था। फिलहाल ये गाड़ी मधुबन पुलिस थाने में खड़ी है, वहाँ बम निरोधक दस्ता मौजूद है और अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटी हुई है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से हथियार, बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर भी बरामद हुए। वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद बारूद RDX हो सकता है, जिसकी जांच अभी जारी है। फिलहाल इन 4 आतंकियों के पकड़े जाने को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि इनके पास से कई जानकारियां पुलिस को मिल सकती हैं। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।